हेलो, वेलकम अगेन लेक्चर 3। ठीक है, ऐसी लुक्स मत दो। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी तक? सब बढ़िया, एकदम गजब गजब, पक्का? चलो ठीक है। यार मेरे को क्विकली बस रिमाइंड करा दो कि कहाँ तक कर लिया बेटा? है टेबल बताई थी मैंने, है मैंने टेबल समझाई थी, वो क्लियर है? है हेलो देवांश, प्लीज पे अटेंशन। अभी तुम जो भी करोगे या अच्छा ओके अभी आप जो भी करोगे या मैं जो भी बोलूंगी, इट इज ऑल रिकॉर्डेड एंड योर पेरेंट्स विल वॉच दिस। ठीक है, आई विल। ओके, अब आते हैं इसके बाद है बच्चे आपका। हमने देखा था, मैंने आपको एक रूल बताया था जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। एक रूल है जिसका क्या नाम है? ऑक्टेट रूल। और मैंने आपको बताया थे बच्चे, वैसे तो एलिमेंट्स हमारे पास 100 से ज्यादा है, 118 एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं? 118। अब कुछ यहाँ पे बच्चे होंगे जिन्हें हिंदी नहीं आती होगी। 118 एलिमेंट्स वी हैव। यू आर इंडियन ना? नाइस। ओके 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 ओके, ठीक है। तो वी हैव मोर देन 100 एलिमेंट्स विद अस ऑन अर्थ। ठीक है, बट हेयर इन 9th क्लास वी विल बी लाइक कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन 20 एलिमेंट्स। हम कितने एलिमेंट्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? 20 एलिमेंट्स। ठीक है, 20 एलिमेंट्स पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जिनमें से 18 का मैंने आप लोगों को बताया भी था। ओके, 18 के बाद ओके 18 एलिमेंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, आर्गन, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो दिस टेबल इज फाइन। अब आप लोग देखोगे कि वी अरेंज्ड एलिमेंट्स इन द वे दैट दे हैव इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड इलेक्ट्रॉन। मैं अब कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगी कि जो बच्चे सिर्फ थर्ड लेक्चर भी देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाए। ओके, कुछ इस तरीके से। एटम के अंदर आप ये समझो, एक होता है न्यूक्लियस जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके आरी पास कुछ शेल्स होते हैं। इन शेल्स में कौन घूमता है बच्चे? इन शेल्स में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इन शेल्स के नाम क्या रखे गए हैं? पहली शेल के, एल, एम, अच्छा ये तो शेल थी नहीं ना, ये तो न्यूक्लियस था। ओके, तो दिस विल बी के, एल, एम, एन। हाउ मेनी शेल्स वी हैव? 4 शेल्स वी हैव। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी कैन फिल? एंड एटम के अंदर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं बच्चे? 3। पहला सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। सो वी हैव हाउ मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉन, और सबसे ज्यादा जो एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है वो कौन सा पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन। वो उसकी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, डिसाइड करता है। एंड दैट्स व्हाई वी हैव अरेंज्ड एटम अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉन्स, नॉट प्रोटॉन, नॉट न्यूट्रॉन। ठीक है, हालांकि प्रोटॉन अपने आप बन जाता है बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? अब आपको पता है, वी नो दैट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स of atom are, one is electron, other is proton and neutron. समझ में आया? एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास बच्चे चार्ज होता है, कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज।
न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज, दैट इज न्यूट्रल, न्यूट्रल राइट। इलेक्ट्रॉन का मास कैसा होता है? नेग्लिजिबल। इसके अंदर, इसके पास चार्ज है, मास नहीं है। प्रोटॉन क्या है? दोनों है इसके पास, चार्ज भी है और मास भी है। इसके पास मास कितना होता है? वन यूनिफाइड। प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के पास, आपके पास चार्ज नहीं है लेकिन मास। आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जानते हो जो एटम के अंदर है, यस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिवॉल्व करते हैं? के एल एम एन, ठीक है। अब अगर हम बात करें, हमारे पास जो कुछ एलिमेंट्स थे, दे वर जस्ट लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन में वन इलेक्ट्रॉन, हीलियम में टू इलेक्ट्रॉन्स, बेरिलियम में थ्री, फोर, फाइव, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। आप अगर जैसे मैं बात करूं, लेट्स से लेटेस्ट टॉक अबाउट सोडियम, लेटेस्ट टॉक अबाउट, एक मैं पकड़ती हूँ सोडियम को और एक हम पकड़ेंगे बच्चे क्लोरीन को। एक हमने किसको पकड़ा? सोडियम को, और एक हमने किसको पकड़ा? क्लोरीन को। हम इन दोनों को पकड़ के वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैलेंसी। हम क्या समझने की कोशिश करेंगे कि वैलेंसी क्या है? क्या है वैलेंसी? प्लीज सी हियर, सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर हमें जानना हो तो हम कैसे पता लगाएंगे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, 11। ये क्या एटॉमिक नंबर है? कैन यू टेल मी योर रोल नंबर्स? व्हाट इज योर रोल नंबर, परी? हाय हाय, 51 नंबर का एलिमेंट कहाँ से लाओ? चलो ओके, 5 + 1 = 6 पे कौन आता है? कार्बन। यू आर कार्बन, तुम अपना याद रखो। 6 क्या होता है? कार्बन। अदिति, अदिति का तो मिल जाएगा हमें एलिमेंट, बोलो जल्दी बोलो। 1 रोल नंबर है। ओह वाओ, यू आर हाइड्रोजन। वेल्श का? हाँ, 25। 2 + 5 = 7। 7 पे कौन होता है हमारे पास? नाइट्रोजन। तो यू आर नाइट्रोजन, शी इज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। भव्य, हाँ, अरे बताओ तो सही रोल नंबर। 9 है, तो यू आर फ्लोरीन। यू नो फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज हाईली, अबे ऑक्सीजन तक को नहीं छोड़ता ये ऑक्सीजन को भी फ्लोरीन जो है वो लूट लेता है। ओके, सो यू आर वेरी रिएक्टिव मेटल, ठीक है। यू टेल, 10 हो तुम, 10 पे कौन है हमारे पास? नियॉन। नियॉन इज लाइक अनरिएक्टिव, वही दो, बोथ ऑफ देम आर, वन इज हाईली रिएक्टिव, अदर इज कंप्लीटली, भाई तुम बाढ़ में जाओ, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या है? नियॉन, अनरिएक्टिव, नोबल गैस, ठीक है, बहुत रिएक्टिव, ओह माय गॉड, ओके। और ये क्या है हमारी? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ठीक है। कार्बन इज वेरी फ्रेंडली, यू नो हमारी 10th क्लास से पूछो कितना फ्रेंडली है कार्बन, है ना। अबे टॉपिक का सब हेडिंग है विल यू बी माय फ्रेंड, यस। तो जल्दी से 10th क्लास में आ जाओ, हम कार्बन के साथ दोस्ती करेंगे, ओके, ठीक है, ओके। तो ये समझ में आया। अब इस तरीके से बच्चे आप लोग देखो, किसी ना किसी चीज को किसी से कनेक्ट करके यू कैन लर्न देम बेटर, ठीक है, टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, टू मेक इट मोर फन, कनेक्ट ना, किसी अपने दोस्त को बना दो कुछ, ठीक है, कुछ भी बना दो, जो मर्जी करना है वो करो। ऑल राइट, सोडियम, सोडियम हम में से कोई नहीं निकला ना, शायद यही थी धारणा, तुम क्या थी? सोडियम थी तुम? अच्छा, तुम भी नियॉन थी, चलो ओके, शी इज वेरी रिएक्टिव बाय द वे, ओके। सो सोडियम, सोडियम का बच्चे 11 होता है। सोडियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर बच्चे? एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूट्रल एटम। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम, उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं?
एटॉमिक नंबर, उसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हमको ये बता देगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चे? 11। तो सोडियम का एटॉमिक, अच्छा सिंबल यही होता है सोडियम का, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। 11 हो गया। हमें कितनी शेल में भरना है? के एल एम एन, कितनी शेल में भरना है? 1 इज के एल एम एन, राइट, के एल एम एन। एक बात याद रखना परी, प्लीज अब तुम ध्यान दो यहाँ पे, के में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। के में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं? 2। एल में? 8। एम में? 8। के को छोड़ के बाकी सब में 8। 8 8 8। तो हम कैसे भरेंगे इसके इलेक्ट्रॉन, कैसे भरेंगे हम? इसमें कितने भरूंगी? 2 के बाद कितने बच गए? 9। इधर कितना आएगा? 8। फिर अब कितना बचेगा इधर? 1। चेक कर लो, 2+8 10 प्लस 1 7 में आ गया, 7 में आया। तो आपने ये भर दिया, ओके। ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? ये है बच्चे आपका सोडियम। ये क्या है आपका? इज दिस क्लियर? सो नाउ सोडियम इज क्लियर टू अस, इज दिस क्लियर? अब प्लीज सी, सो दिस वाज योर सोडियम, के एल एम एन, ठीक है। अब पकड़ते हैं दूसरे को, यानी कि क्लोरीन को। अब किसको पकड़ते हैं? क्लोरीन को। यहां पे मैंने पकड़ा क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। कौन सी शेल में भरना है? के एल एम एन। इन दोनों को मिला के 10 होते हैं, 2 8। इसमें कितने बचे? 2 8 7। चेक, 17 है ना? 2+8 10 +7 17, ठीक है। समझ में आया? इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? इधर कितना आए? 2 8 1। इधर कितना आया? 2 8 7। अब यहां पर ध्यान दो कि हर कोई चाहता है अपना ऑक्टेट पूरा करना। हर कोई क्या चाहता है? ऑक्टेट पूरा करना। ऑक्ट स्टैंड्स फॉर 8। ऑक्ट स्टैंड्स फॉर 8, ठीक है। सब चाहते हैं कि मेरी आउटर मोस्ट शेल कैसी हो? कंप्लीटली फिल्ड हो। दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी होती भी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इधर गेन्ड बाय द एटम और लूज बाय एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। हर एलिमेंट कैसा चाहता है? कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो। समझ में आया? कोई नहीं चाहता कि मेरे लास्ट वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो। समझ में आया? यार आ रहा है पक्का? तो अब इसके लास्ट में 1 है, उसके लास्ट में 7। इसको अगर ऑक्टेट पूरा करना है तो इसको 1 देना पड़ेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा और उसको 1 लेना है। इसको देना है, उसको लेना है। क्या बात है दोस्त, है ना? तो ये क्या करेगा बच्चे? अपना 1 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर कर देगा। क्या हुआ? चला गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो बच्चे, प्लीज यहां पर ध्यान दो। आप अगर यहां पर देखोगे, एक चीज दिखाऊं क्या? दिखाओ, देखो देखो देखो। यहां पर अगर आप लोग देखोगे, जो आपका सोडियम था उसमें 11 थे इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और इन 11 इलेक्ट्रॉन के लिए सबके साथ क्या था? एक पॉजिटिव चार्ज भी था। क्या हुआ? समझ में आया? 11 इलेक्ट्रॉन थे तो 11 प्रोटॉन भी थे, तभी तो आपका सोडियम एटम क्या था? न्यूट्रल था, यानी कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। अगर मैं क्लोरीन पर आ जाऊं तो क्या था? चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7
आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और सत्रह के सत्रह इलेक्ट्रॉन के लिए इनके पास क्या है, सत्रह प्रोटॉन, यानी कि आपका क्लोरीन भी क्या है, न्यूट्रल है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना यहां से उधर दे दिया, यानी कि उसने नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर किया, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज हटा और वो नेगेटिव चार्ज कहाँ आया, इधर आया, यही हुआ ना। जब इसने अपना नेगेटिव चार्ज उधर ट्रांसफर किया तो मुझे बताओ क्या उसने प्रोटॉन भी ट्रांसफर किया था, नहीं। क्या उसने प्रोटॉन भी ट्रांसफर किया, नहीं। यानी कि ये तो अभी भी न्यूट्रल हो गया, लेकिन इसके ऊपर क्या आ गया, Na पॉजिटिव, और वो क्या बन गया, Cl नेगेटिव। ठीक है, तो Na पॉजिटिव बिकॉज इट गिव्स वन इलेक्ट्रॉन, Cl नेगेटिव बिकॉज इट गेन्स, इट गेन्स वन इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स व्हाई। तो आपका अगर मैं बोलूं, अच्छा वन मोर थिंग, इफ आई विल आस्क यू टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे लिखने को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन। अगर मैं बोलूं राइट द इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन ऑफ एन ए पॉजिटिव, किसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन लिखने के लिए बोला, एन ए पॉजिटिव, दैट मीन इट हैज ऑलरेडी लूज वन लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल इट हैव, एन ए पॉजिटिव पे कितना होगा, के एल एम एन में भरूंगी तो क्या आएगा, टू एन, बट इस पे पॉजिटिव चार्ज है, चेक करना, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं क्लोरीन में करूं तो क्लोरीन नेगेटिव का क्या, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या बन गया, टू एट एट, अब ये भी खुश, दो आठ आठ, ये भी खुश, दो आठ, दोनों की आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, कंप्लीट है, दोनों खुश, ठीक है। लेकिन इधर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज और उधर आ चुका है नेगेटिव चार्ज, इसी को हम वैलेंसी बोलते हैं और इसीलिए एटम्स कंबाइन करते हैं। एंड बच्चे यही आपका क्या बनाता है, नमक, ये आपका क्या बनाता है, नमक। एंड नमक का मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड जो इनके बीच में बना है ना, बाय डोनेटिंग अ इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो दे फॉर्म अ, एंड बिकॉज आयन्स ही तो है, ये थर्ड चैप्टर में ये है बच्चे, ठीक है, थर्ड चैप्टर में आप लोगों ने आयन्स पढ़े हुए हैं। आयन्स क्या होते हैं, व्हाट आर आयन्स, चार्ज पार्टिकल्स, आयन्स आर एक्चुअली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। एक मिनट, हाँ, यस, वो मैंने आपको समझाया ना, जो इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ, और सी एल नेगेटिव होता है बिकॉज इट विल गेन वन इलेक्ट्रॉन, हाँ। बच्चे हमेशा एक बात याद रखना, जो ट्रांसफर होती है वो हमेशा आपके इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स अगर आप लूज करोगे बिकॉज यू आर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, तो ऑटोमेटिकली यू विल हैव पॉजिटिव चार्ज, एंड इफ यू विल गेन वन इलेक्ट्रॉन तो यू हैव नॉट गेन द प्रोटॉन, राइट, एंड दैट्स व्हाई यू विल हैव अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है। बिकॉज देखो, अगर किसी एटम को दो इलेक्ट्रॉन देना है और किसी एटम को दो इलेक्ट्रॉन लेना है, तो एक्चुअल में कंबाइन तो एक एक ही एटम कर रहे हैं ना, इसको दो देना था, इसको एक लेना था, दोनों कंबाइन हुए, पूरे हो गए। अगर वैलेंसी सेम नहीं होती तो क्या होगा, जैसे आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बात मत करो, आप बात करो मैग्नीशियम एंड क्लोरीन की, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, क्लोरीन का हो, अच्छा ओके, पहले इसको रब करके फिर कर ले, हाँ मैं अभी मैग्नीशियम एंड क्लोरीन के हिसाब से आपको बताऊंगी, अभी मैंने इजी एग्जांपल लिया था ताकि मैं आपको बता पाऊँ, यस। जैसे सीएल के पास अभी तो सारे नेगेटिव और पॉजिटिव थे, बट अगर सीएल के पास एक पॉजिटिव वाला चार्ज हुआ है, नहीं होता नहीं है बच्चे, एटम इन नेचर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल,
जब तक वो कंबाइन नहीं करता तब तक उसके पास कुछ भी एक्स्ट्रा आएगा नहीं. एंड ऑलवेज रिमेम्बर प्रोटॉन नेवर मूव्स. प्रोटॉन नेवर मूव. एंड इफ प्रोटॉन विल मूव देन यू विल क्रिएट एटम बॉम्ब विच इज सो हार्मफुल. एंड दैट्स व्हाई वी शुड मतलब प्रोटॉन्स डज नॉट मूव. ठीक है. प्रोटॉन जो बच्चे जब मूव करता है ना तो वो इतना सिंपल नहीं होता. एंड दिस इज नॉट इवन गुड फॉर अस. आप लोगों ने सुना होगा वो क्या बोलते हैं प्रोटॉन की मूवमेंट का, तो आप लोग एग्जाम्पल भी सुन सकते हो. हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जो बॉम्ब गिराया था, ठीक है, दैट वॉज अ एटम बॉम्ब, राइट. और उनकी जनरेशन अफेक्ट हुई थी. वाई? बिकॉज दैट लीड्स टू चेंजेस इन द डीएनए, राइट. डीएनए विच इज अ जेनेटिक मटीरियल. तो प्रोटॉन मूव नहीं करता, आपका हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करता है. इज दिस क्लियर? कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं आपके अनस्टेबल पार्टिकल, जो हम लोगों ने सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया था उस एक्सपेरिमेंट में, तो वो हाईली अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं. जो आप लोग वहां पे भी यूज करते हो, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी. आप लोगों ने न्यूक्लियर एनर्जी, हम क्यों बोलते हैं उसको न्यूक्लियर एनर्जी? बिकॉज द एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. इसीलिए कंट्रीज में और क्या लगाते हैं बच्चे, हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाते हैं. अगर आपको पता है इंडिया में अगर हम पूरी इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर एनर्जी से देंगे तो हर विलेज में सब लोगों को फुल इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी. कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन प्रोवाइड एट मच, मतलब कॉस्ट भी इतना ज्यादा नहीं होगा. देन व्हाई डोंट वी डू दैट? बिकॉज इट इज नॉट मैनेजेबल. फायदा बहुत है तो नुकसान भी तो बहुत है, ठीक है. अगर बाय मिस्टेक जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर वेस्ट भी होगा, और इंडियंस वेस्ट को कैसे ट्रीट करते हैं, एलर्जी फेंक दिया कहीं भी, राइट. और कहीं से कुछ अगर रेडिएशंस निकलने लग गए या कुछ हो गया, तब आप उसकी भरपाई करोगे? हाँ, एग्जैक्टली, या ठीक है. तो अगर वहां से रेडिएशंस निकलते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी मच हार्मफुल. एंड सोडियम नहीं करता. नहीं, ऐसा नहीं होगा. सोडियम भाई, आप ये सोचो ना भाई, आप स्टेबल होना चाहते हो, यू आर ऑलरेडी डोनेटिंग वन इलेक्ट्रॉन. अब आप अपने 9 इलेक्ट्रॉन थोड़े डोनेट कर दोगे, समझ में आया? मान लो भाई, अगर आपकी फैमिली हो 10 लोगों की, मान लो 10 लोगों की अच्छी खासी फैमिली है, ठीक है. किसी ने बोला, बच्चे ने, एक ने बोला कि भाई मैं फौजी बनना चाहता हूँ, जा बन जा. पूरी फैमिली बोलेगी मैंने फौजी बनना है, या फिर मैंने कुछ ऐसा काम करना है जिसमें मर जाएंगे, तो क्या भेज देंगे घर वाले? सबको थोड़े भेज देंगे. हालांकि वो तो फिर भी अलग बात है बच्चे, ये ऐसा. और बच्चे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ना एनर्जी भी चाहिए होती है भाई. एक इलेक्ट्रॉन को निकालने का तो हमारा मोटिव भी है कि यस वी विल बी कंप्लीट. पूरे 8 के 8 को निकालने का क्या मोटिव है? व्हेन यू आर ऑलरेडी स्टेबल, और कितना स्टेबल बनना है भाई, समझा? एंड उस स्टेज पर आपकी स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है, तो उससे ज्यादा आप और कुछ स्टेबल हो भी नहीं पाओगे. इज दिस क्लियर? ठीक है, यहां तक ये चीज क्लियर है बच्चे? अब आपको मैं वो एग्जाम्पल देती हूँ जहां पर दो एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम नहीं होती है. तब वो जैसे मैंने बताया था कि मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, ठीक है, उसका मैं और बता देती हूँ आपको. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट जब दोनों की वैलेंसी सेम ना हो तो क्या होगा. जैसे मैंने बताया आपको, मैग्नीशियम लेते हैं हम एक जगह जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है. KLMN में भरोगे तो कैसे भरेंगे बच्चे इसको? 2. और अगर मैं क्लोरीन को भरूंगी तो कैसे भरेंगे? एक काम करते हैं, हम इसका वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, ये मैग्नीशियम है आपका, मैग्नीशियम Mg, ठीक है. इसकी K शेल, L शेल एंड M शेल, राइट. इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स. L में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
और एक इधर इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, एक इधर इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, राइट ऐसा ही होगा इसका एटम, कुछ ऐसा सही दिख रहा होगा। कभी देखना यार 3D में आप लोग एटम के मॉडल्स देखना। हाँ हाँ, हैव यू सीन द मॉडल ऑफ एन एटम? देखा है क्लोरीन मॉडल? बच्चे आई एम टॉकिंग अबाउट 3D। क्या इन्होंने इनको 3D मॉडल देना तो चाहिए, बाकी मुझे पता नहीं देंगे। 3D मॉडल नहीं, हम इसे क्या बोलेंगे? क्या बच्चे? यार इन्होंने एक दिखाया है यहाँ पे, देखते हैं जैसे। तो हेयर यू कैन सी द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, हाँ दिख रहे हैं बच्चे। ये तो मतलब आप ये समझो, आप इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को एक्चुअल में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एंड दिस इज दिख रहा है। आई हाय, कोई बात नहीं, समझ में आया? हाँ, तो आप लोगों को कई बार अगर चीजें समझने का मन करे, व्हाट यू कैन डू इज गो टू द गूगल एंड सर्च सम वीडियोस टू एक्सप्लेन इट मोर बेटर। समझ में आया? आपका ऐसा सा एटम होगा और आप ये समझो बहुत तेजी से घूम रहे हैं। अब क्लोरीन बनाते हैं, क्लोरीन में क्या होगा, ए के न्यूक्लियस हो गया, फिर के शेल, गंदा बना रही हूं ना, Cl, फिर एक एक के शेल, L, M, बस इतना ही तो होगा, राइट? और एक Cl पकड़ के ले आते हैं इधर, एक Cl पकड़ के ले आते हैं इधर, K, L, M, K में कितने? 1, 2, फिर इसके अराउंड भी मिटाई देती हूँ मैं ये, ठीक है, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इधर कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इधर भी कितने होंगे बच्चे? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट? इसके पास इधर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, इसको कितने चाहिए? 1, उसको कितना चाहिए? 1, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा? इधर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन किधर आ गया? इधर, और ये इधर आकर बैठ गया। इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ पर मूव करेगा बच्चे? समवेयर हियर, तो ये इधर आकर मूव कर गया। समझ में आया? इस पे क्या चार्ज आया? Cl नेगेटिव। इस पे क्या चार्ज आया? Cl नेगेटिव। इस पे क्या चार्ज आया? 2 पॉजिटिव, Mg 2 पॉजिटिव। अब चार्ज तो इन सब पे है,
और न्यूट्रल करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए इन तीनों एटम्स को साथ में आना पड़ेगा सो दैट दे कैन फॉर्म MgCl2. दैट्स हाउ दे फॉर्म MgCl2, वेयर द वैलेंसी ऑफ Mg इज 2, जो किन्ने कंपेयर, किसने कंप्लीट करी, दो एटम्स ऑफ क्लोरीन ने कंप्लीट करा. हाँ, तो इसका कंप्लीट नहीं होता, सिर्फ एक सीएल से क्या ये कंप्लीट हो, मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा किसको देगा फिर, उसके लिए दूसरा. हाँ, समझ में आया, ये चीज क्लियर हुआ. ओके, ये आप लोगों को समझ में आ गया. इसके बाद बच्चे एक चीज और मैं आप लोगों को बता रही हूँ. तो अभी आज जो हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में मूव किस तरीके से करते हैं, मैंने आपको एटॉमिक नंबर भी बताया. क्या बताया? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द एटम. ठीक है, और क्या वो प्रोटॉन के इक्वल भी होंगे? यस. तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड एटॉमिक, एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है बच्चे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. देयर इज वन मोर थिंग नोन एज एटॉमिक मास. देयर इज ऑल्सो थिंग दैट इज नोन एज एटॉमिक मास. वो क्या होता है बच्चे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. आपका एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. इसमें हम इलेक्ट्रॉन को नहीं लेते, व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, उनका मास होता ही नहीं है, निग्लेजिबल मास होता है. ठीक है, अब दो चीजें और हैं बच्चे जो आपको इस चैप्टर में और करना है. वन इज आइसोटोप and other is isobars. isotope होता है बच्चे, isotope किसे बोलते हैं? same atomic number different mass number. atomic number same हो लेकिन mass number different हो, उसे हम क्या बोलते हैं? isotope. समझ में आया? ठीक है, इसे मिटा दूं. Please try to understand this. Now we are doing isotope and isobar. It is very important topic. Isotope, ये होता है बच्चे आपका same atomic number, and different atomic मास. समझ में आई बात? ठीक है, इसे हम बोलते हैं आइसोटोप. आइसोटोप्स के क्या क्या एग्जाम्पल है हमारे पास? आइसोटोप क्या बच्चे? एक तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के. और हाँ, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को हम कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो अगर मैं लिख रही हूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H. नीचे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखते हैं हम एटॉमिक मास. नीचे क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर और ऊपर एटॉमिक मास. तो ये इसका पहला आइसोटोप है जिसका नाम है प्रोटियम. प्रोटियम, ठीक है. दूसरा है बच्चे इसका H12, यानी कि एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन मास नंबर 2 है. इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? ड्यूट्रियम. ड्यूट्रियम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम. और एक होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3. तो ये क्या हो गया? एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3. इसको हम बोलते हैं ट्रिटियम. ट्रिटियम, राइट. तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम. अब आप बोलोगे क्या हर केस में हमने आइसोटोप्स को नाम दे रखे हैं? नहीं, सबको हमने नाम नहीं दे रखा, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन वाले को नाम दे रखा है बिकॉज इट इज वेल स्टडीड एलिमेंट. इट इज वेल स्टडीड एलिमेंट. अब अगर मैं बात करूं बच्चे इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, चेक करें. एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1. और इलेक्ट्रॉन 1 है तो प्रोटॉन भी 1. और क्योंकि मास 1 है यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम 1 है.
और अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम 1 है तो ऑफ कोर्स ये कितना होगा 0, तो 1 1 0। ड्यूट्रियम में क्या होगा, अब एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, तो इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1 है तो प्रोटॉन 1, लेकिन मास कितना है 2, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे 1। चेक कर लो, इलेक्ट्रॉन तो एटॉमिक नंबर बन गया और इन दोनों का सम मास नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास बेसिकली, ठीक है। इसका बताओ, 1 1 1 and 2। सोनिया, तो दैट्स हाउ वी कैन आल्सो फाइंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द, नहीं आ रहा समझ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जीरो कैसे आया बच्चे, इन दोनों का सम कितना है 1, और मास एटॉमिक मास होता क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो हो गया ना 1। और बताओ, हाँ बोलो बच्चे, ये ज्यादा अबंडेंट होता है, जैसे अगर आप बात करो वाटर, वाटर क्या होता है आपका, वाटर आपका होता है बच्चे H2O। जब आपका आपके वाटर के अंदर ये वाला हाइड्रोजन होता है तो वो वाटर होता है। अगर आपके वाटर में D2O है यानी कि ड्यूट्रियम है तो उसको हम हैवी वाटर बोलते हैं, उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, हैवी वाटर बोलते हैं बच्चे, बिकॉज वो चाहे वाटर हो प्रॉपर्टीज भी वाटर की शो करेगा लेकिन उसका मास हायर है, राइट। ट्रीटियम, अच्छा ड्यूट्रियम फिर भी आपको मिल जाता है, ट्रीटियम आपको बहुत कम मिलता है, ट्रीटियम हाँ हाँ बहुत कम मिलता है, लेकिन हाँ एग्जिस्ट करता है। इज दिस क्लियर बच्चे, आई नो आज की क्लास बहुत छोटी थी, ठीक है, अगर हमें एक क्लास और मिल जाए ना तो अच्छे से और खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, चलो ठीक है, बाय बाय टरा, फिर से।